काकुन है, हमारे तुम्हारे लिए बढ़िया है बच्चे जो कुपोषित हैं, तो उगा के जो अभी बचपने पड़ते बच्चों को खवाने लगोगे तो कुपोषित नहीं रहेंगे। फायदा इसके बहुत बहुत फायदा इतने होते कि जैसे कोई शरीर में कमी आई जाए एका खाए तेरे तुम्हारी सेहत कमजोर नहीं पड़ी। जिससे जो कोदो का चावल होता है उससे शुगर लेवल कंट्रोल होता है और जो गैस जैसे गैस की प्रॉब्लम वो भी कम होती है। मिलेट्स यानी मोटे अनाज जो इस समय हम कह सकते हैं लगभग अपनी विलुप्ति के कगार पे हैं क्योंकि उन्हें एक अच्छा मार्केट नहीं मिल पा रहा है। अभी हम यूपी के सीतापुर जिले में खड़े हैं। ये सीतापुर जिला मुख्यालय से करीब 40 किलोमीटर दूर मिश्री के एक ब्लॉक है जिसमें पीपरी एक गांव है। जहाँ पे हम खड़े हैं ये एक सेहत का बारदाना अगर आप देख पा रहे हो ये हेडिंग है। यहाँ पे मोटे अनाजों का बचाने के लिए एक संगठन है जो पिछले कई वर्षों से इसके लिए प्रयास कर रहा था। यहाँ पे महिला और पुरुष मिलकर इन मोटे अनाजों को किसानों को खेत में उगाने से लेकर के यहाँ पे प्रोसेसिंग और मार्केटिंग तक का काम मिलकर करने की दिशा में काम कर रहे हैं। पिछले 8 महीने पहले ये प्रोसेसिंग यूनिट लगा था। चलिए हम यहाँ के लोगों से मिलते हैं जो यहाँ पे काम करते हैं और उनसे समझते हैं कि वो इन मोटे अनाजों को बचाने के लिए क्यों प्रयास कर रहे हैं, किस तरह की चुनौतियाँ आ रही हैं और इन मोटे अनाजों के क्या क्या फायदे हैं। और पहले इस मोटे अनाज की शुरुआत यहाँ पे 2013 से 5 किसानों से की गई थी। मोटे अनाज हमारे हैं इनसे जो चावल और जो कनके उसका आटा पिसाई होती है और उसकी फिर पैकिंग होती है अगर और उसको अच्छे से यहाँ पे महिलाएं सारी मिलके महिलाएं और पुरुष दोनों मिलके काम करते हैं। दस साल से संतन किसान मजदूर संगठन इस कोशिश में लगी थी कि हम खेती में कुछ नया ला पाए, कुछ रचनात्मक करें जिससे हमारे क्षेत्र में लोगों के न सिर्फ आमदनी लेकिन खान पान में बदलाव आए, सुधार आए। तो उस समय से हमको समझ में आया कि सावा, काकुन, कोदो यहाँ के इस क्षेत्र के पुराने अनाज थे और जो बुज़ुर्ग इसको याद करते थे मतलब बड़े प्यार से भी याद करते थे लेकिन बहुत दुख से भी याद करते थे कि इसका इतना काम रहता था, इसको कूटना पड़ता था, इसको साफ़ करना इतना मतलब महिलाएं बताती थी कि सवेरे से संझा कूट रहे हैं, पीस रहे हैं, यही हमारा काम है। लेकिन ये भी समझ में तब तक हमको पता चला ये तो जो मिलेट्स कहते हैं ये वही अनाज है, पौष्टिक अनाज है, ये कम पानी में कम लागत से उग जाते हैं और इसके बड़े फायदे हैं। फायदे इसके हैं जैसे इसको बो दिया चौमासे में बही जाती है उसमें बारिश होने लगती है तो जब बारिश होने लगती है तो उसमें पानी नहीं लगता है और जैसे सरकारी पास से यूरिया डीपी और ये दवा जो पड़ती है कीटनाशक ये कुछ नहीं पड़ता है और जो और फसलें बहुत तो उसमें बहुत सारी लागत लगते हैं, बहुत महंगे में यहाँ खेती होती है और इसमें कोई लागत नहीं लगती है। धीरे 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 कोशिश की 2014 में 5 किसान, 15 में फिर 60 किसान, ऐसे ऐसे धीरे धीरे बढ़ता गया और शुरुआत में हम बीज आंध्रा से लाए और यहाँ के लोग उसको देख के बोले ये तो हाइब्रिड बीज है और फिर हमको समझ में आया कि बाहर के बीज तो लोगों को अलग ही दिख रहा है तो ढूंढ ढूंढ के यहाँ के देसी बीज मिले तो सावा हो कि काकुन हो और कोदो का जो देसी बीज मिला समझ में आया कि ये 3 महीने वाली फसल है और दक्षिण में तब तक जितने हमने देखे थे 5 महीने के 4-5 महीने के कोदो के फसल थे। अगर एक तरीके से देखा जाए तो मैदा और की चीज़ें खा खा के तो पेट में एकदम जम जैसा जाता तो काकुन जो है वो हमारे पेट की सफाई करता है और हमारा जो सावा है उसमें इतना कैल्शियम होता है जो हमारे हड्डियों को मजबूत करता है और कैल्शियम शरीर को वो करता है। तो
तो कोशिश यही है कि इस यूनिट के माध्यम से जितनी अनाज की सफाई और न सिर्फ मोटे अनाज लेकिन जो इस क्षेत्र के सारे अनाज है, बाजरा हो, उड़द हो, चना हो, इन सब की भी सफाई करें, ये मोटे अनाज की कुटाई करें और इसके अलग अलग पदार्थ लोग भी समझें कि इसको कैसे पका के खा सकते हैं, हम भी ऐसे आटे जैसे अलग अलग चीज़ें भी तैयार करें। और इस जो आप कह रहे थे ना कि मॉल्स में तो मिलेट्स मिल जाते हैं और महंगे महंगे, मतलब अमीर लोग खरीदते हैं, हमारी कोशिश है कि हमारे ही गांव के जो मेहनतकश लोग हैं, जो किसान मजदूर हैं, वो ये खा पाए, इसके फ़ायदा उठा पाए, क्योंकि ये इन्हीं के अनाज थे, इसके लाभ उठा पाए। यहाँ पे 8 महिलाएं 7 पुरुष काम करते हैं, काफ़ी सारी महिलाएं बहुत अच्छे से चाव से काम करते हैं, उन्हें काम करने में अच्छा लगता है पुरुषों के साथ, जैसे पुरुषों के बराबर बराबरी का यहाँ पे, ऐसा नहीं है कि पुरुष अलग काम करते हैं और महिलाएं अलग, यहाँ पे सब समन्वय के साथ काम करते हैं, ये नहीं तुम्हें पता चलेगा कि पुरुष यही काम करेंगे ये महिलाएँ काम करेंगी। सेहत का बारदाना प्रोसेसिंग यूनिट सीतापुर शहर से 40 किलोमीटर दूर पीपरी गांव में लगा है। यहां पे मशीनों से हम अनाज की सफाई और छिलके वाले अनाज, जैसे ये मोटे अनाज है, सावा, कोदो, काकुन, इन सब की कुटाई करते हैं। तो इस यूनिट में हम अभी फ़िलहाल सावा, कोदो, काकुन, उसकी कुटाई करके उसके चावल बना के और आटा बना के एरिया में सप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे आपको ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी, इसी क्षेत्र के किसानों का उगाया हुआ अनाज है, यही हम खरीद के यहाँ क्षेत्र के लोग आकर इस यूनिट में काम करके इसका चावल बनाते हैं और यही बिक्री भी होती है। हमारी पूरी कोशिश है कि सीतापुर हरदोई क्षेत्र में लोग मोटे अनाज के फ़ायदे उठाएँ, इनमें सेहत के लिए बहुत सारे फ़ायदे हैं, इसके खाने से उसका फ़ायदा उठाए और यहाँ से अनाज ले, यहाँ से चावल और आटा ले।